वेलकम टू मैथ्स क्लास। चलिए नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम एस्टिमेशन। इससे पहले मैंने आपको बताया था राउंड अप कैसे होता है, किसी नंबर्स को राउंड अप कैसे करते हैं, राउंड अप टेंथ प्लेस पर कैसे होगा, हंड्रेड प्लेस पर कैसे होगा, थाउजेंड प्लेस तक मैंने आपको डिस्क्राइब किया था पिछले वीडियो में, उससे ऊपर भी क्या आ सकता था, 10,000 पे, लाख पे, 10 लाख पे। नाउ वी शुड टॉक अबाउट द एस्टिमेशन। व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को नियर अबाउट कितना किया जा सकता है। जैसे आप अगर जाते हो ट्रेन में और आप टिकट लेते हो, तो टिकट अगर 5 रुपीज 95 पैसे के हैं तो वो 5 पैसे आपको रिटर्न नहीं करता, आपको उसको 6 रुपए पे करने होते। लेकिन अगर आपके वैल्यूज 5 रुपीज 30 पैसे के हैं तो आप केवल 5 रुपीज उसको राउंड अप करके देकर और चले आते हैं, 30 पैसा आपके तरफ से छूट जाता है। सो यह एस्टिमेशन इसी पर आधारित है। एस्टिमेशन इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू और गेसेस। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं किसी दिए गए डाटा का, इट गिव्स अ रफ आइडिया ऑफ द आंसर, और यह आपको नियर अबाउट का आंसर बताता है कि क्या हो सकता है। 437 should be added to 563. कितना होगा? किसी ने पूछा कि कितना होगा, तो डायरेक्टली इसको ऐड करने से पहले किसी व्यक्ति ने कहा कि अच्छा चलो ये लगभग 600 के बराबर होगा और ये 400 के बराबर होगा, तो चलो 1000 के बराबर होगा, 6 × 4 = 10, 1000 के बराबर। तो उसने बताया कि कितना होगा, 1000 होगा। लेकिन एग्जैक्ट पोजिशन में और नियर अबाउट को देखने में दोनों में डिफरेंस होता है। So, हम लोग यहां जो एस्टिमेट करने जा रहे हैं वो क्या है, नियर अबाउट वैल्यूज है। 460 प्लस 563, 437 इज एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100। 100 पर इसको देखा जा रहा है कि क्या होगा। सो 437 शुड बी, ये 50 से छोटा है, पिछले क्लास में बताया था हमने कि 100 है तो 100 प्लेस पर देखना है, तो आपको पीछे के दो अंक देखने होंगे जो 50 से बड़े हैं या छोटे हैं, या छोटा है। सो 400 में पीछे वाले सारे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो 437 शुड बी एस्टिमेटेड एज 400, राउंड ऑफ कर दिया गया 400 पर। नाउ 563 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100। अब 63 है, ये 50 से ज्यादा बड़ा था, सो 500 शुड बी 63, 50 से बड़ा था, इसे एक अपने आगे वाली संख्या में ऐड करते हैं, 5 और 1 + 6, और 63 का ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो में ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये 50 से बड़ा होगा तो अगली संख्या में +1 जोड़ देते हैं और संख्या ट्रांसफर हो जाती है, कितना में, 600। सो रिक्वायर्ड एस्टिमेशन क्या होगा, हम लोगों को चाहिए था एस्टिमेशन क्या करना था, सम निकालना था, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे, जो एस्टिमेटेड था 400, यहां से लिया मैंने 400 और यहां से लिया मैंने 600। सो 400 प्लस 600 दैट इज द 1000। सो इट शुड बी द आंसर फॉर द दिस क्वेश्चन। नाउ एस्टिमेटेड ये देख रहे थे हम सम के लिए, सम मतलब एडिशन के लिए। नाउ वी शुड टॉक अबाउट द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सो एस्टिमेटिंग द डिफरेंस 386 224 टू द नियरेस्ट 100, कहां पर देखना है हमको, नियरेस्ट 100। सो 386 में क्या होगा, एस्टिमेट करना था, ये 50 से बड़ा है, सो इट शुड बी एडेड 1 + 1 हियर, 3 और 1 = 4, और दीज टू नंबर्स डिजिट आर कन्वर्टेड इनटू द जीरो। नाउ द सेकंड वन इज 224 इज लेस देन 50, सो इट शुड बी ट्रांसफर ऑन 00। नाउ द एस्टिमेटेड डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा, तो 400 में से कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, 200, एंड द शुड बी द आंसर इज 200। नाउ दीज आर द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक द एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, दो संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। सो एग्जाम्पल फॉर यू, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 403 एंड इंटू 750 टू द नियरेस्ट 100। सो सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, 403 था, सो 100 पर एस्टिमेशन देखना था, ये 50 से छोटा है, सो यह जैसा है वैसा ही रहेगा, और दीज टू टर्म्स आर कन्वर्टेड इंटू द 00।
तो ये दोनों जो डिजिट है वो 00 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 403 एस्टिमेटेड होगा 400। नाउ 750 दैट इज द इक्वल टू 50 तो मैंने आपसे बताया था कि अगर वो 50 के भी बराबर हो या 50 से बड़ा हो तो अपने आगे वाली संख्या में क्या ऐड होना चाहिए 1। तो ये 50 के बराबर है तो आगे वाली संख्या में 7+1 दैट इज द 8 एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 0 और रेस्ट दोनों जो डिजिट है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमको क्या निकालना था 400 × 800 4 × 8 = 32 एंड 20 इसके पीछे लग गए तो प्रोडक्ट निकल गया 3200। नाउ एस्टिमेटिंग द क्वोशन डिवीजन द एग्जाम्पल फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशन। अब एस्टिमेटेड क्वोशन निकालना है 94 को डिवाइड करना है कितना से 28 से। नाउ द सॉल्यूशन 94 4 है ये या 10th डिजिट के लिए देखा जा रहा है तो 4 5 से छोटा था सो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू 0 दैट इज द 90 एंड 8 इज द ग्रेटर देन 5 सो 28 इज कन्वर्टेड प्लस 1 3 एंड 8 इज कन्वर्टेड इनटू 0 सो नेक्स्ट नंबर इज द 30। नाउ एस्टिमेटेड क्वेश्चन निकालना था 90 शुड बी डिवाइडेड बाय 30 10 से 10 कैंसिल 3 से 9 कैंसिल 3 तो क्वेश्चन इज 3। सो इस तरह से आप किसी भी तरह का जो आपको एस्टिमेशन दिया जा सकता है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या सिंप्लीफाइड एस्टिमेशन दिया जा सकता है सबको एक साथ मिक्स करके दिखाया जा सकता है आप अगर ऐसे करने आता है तो यू शुड डू द वर्क वेल। नाउ द योर चैप्टर 1 शुड बी कंप्लीटेड एंड नाउ रेडी फॉर द मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। थैंक यू वेरी मच।